वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज है ट्रिप का थर्ड डे और हम लोग रेडी हो चुके हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। तो जैसा कि कल रात में मैंने बताया था कि मैंने जो ये रूम लिया है इसका व्यू बहुत अच्छा है। तो चलो सबसे पहले मैं आपको व्यू दिखाता हूँ कि इस रूम से व्यू कितना अच्छा आता है। तो अभी मॉर्निंग के हो रहे हैं 7 o'clock और सनलाइट काफ़ी तेज़ निकल चुकी है। तो यहाँ से व्यूज़ बहुत अच्छा मिलता है इस रूम से। सामने देखो, सामने हिमालयन रेंजेस दिख रहे हैं और ये पूरा रानीखेत है। और आज का प्लान है, आज हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, अभी हाफ एन आवर में यहाँ से निकलेंगे मुनसियारी के लिए। मुनसियारी रानीखेत से 210 किलोमीटर है। अगर रेगुलर ड्राइव करते रहें तो ये 8 आवर लगेंगे। तो गाइज मेरे साथ इलियाना भी है, तो शायद हम मुनसियारी आज नहीं पहुंच सके। तो देखते हैं, टारगेट लेकर के चल रहे हैं मुनसियारी का। अगर मुनसियारी नहीं पहुंचे तो बीच में कहीं हॉल्ट ले लेंगे। तो आप देखते रहो इस पूरे वीडियो को, बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि हम आगे का जो व्यू होगा बहुत ही अच्छा आएगा। और मैं बताऊं, यहाँ रानीखेत का टेम्परेचर अराउंड 17-18 डिग्री है। ना बहुत ज़्यादा गर्मी है ना ही ठंडा है। एक स्वेटर की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर। नाइट में आपको स्वेटर की यहाँ ज़रूरत पड़ेगी। तो वेदर बहुत ही प्लीजेंट है यहाँ पे। क्राउड भी नहीं है, ज़्यादा क्राउड नहीं है, तो कहीं भी घूमने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो फिर देखते रहो इस वीडियो को, चलते हैं आगे। मिलते हैं आपको रास्ते में। और जहाँ जहाँ भी अच्छा व्यू मिलेगा, कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होगी, मैं आपको देता रहूँगा। तो अभी हम रानीखेत से 13 किलोमीटर आगे निकले हैं टी ब्रेक के लिए। अभी यहाँ पे चाय वगैरह पी करके फिर आगे जाएंगे बगेश्वर। ये है चाय और ब्रेड। तो इधर का रोड बहुत ही अच्छा है, मतलब कहीं पे थोड़ा सा भी अभी तक टूटा मेरे को नहीं मिला है रानीखेत से आगे निकलने पे। तो ये तो मानना पड़ेगा यार कि उत्तराखंड के रोड ना बहुत अच्छे हैं। बहुत ही मज़ा आ रहा है इधर ड्राइव करने में। चौड़ी सड़कें हैं, वेदर अच्छा है, व्यूज़ अच्छे हैं। तो जो नेचर का जो एक्चुअल मज़ा है ना, मैं बोलूँ तो उत्तराखंड में ही है। तो आप लोग भी जब भी मन करे, टाइम मिले, आप आओ यहाँ पे। चलो फिर मिलते हैं आगे। इधर से लेफ्ट जाते हैं और चूंकि हमें मुनसियारी जाना है तो हम स्ट्रेट जा रहे हैं। तो गाइस सी द व्यू ऑफ हिमालयन। वाओ, यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू मिल रहा है। आपको कैमरे में तो इसकी खूबसूरती दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन खुले आँख से देखने में बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ से। आई होप कि हमें आगे चल कर के और अच्छे व्यूज़ मिलेंगे। तो फ्रेंड्स टाइम हो रहा है 11 o'clock और हम लोग बगेश्वर पहुँचे हैं। अभी अभी यहाँ पे हम लोग लंच करेंगे। तो गाइस हम लोग निकल पड़े हैं अब मुनसियारी के लिए। तो गाइस सी द व्यूज। तो हम लोग अभी बागेश्वर से निकल चुके हैं मुनसियारी के लिए, और मुनसियारी यहाँ से बागेश्वर से 135 किलोमीटर है। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था बागेश्वर में आकर के बेसिकली मैप मेरे को दूसरा रूट दिखा रहा था। बागेश्वर से 2-3 रूट है, तो आप बागेश्वर पहुँच करके मस्ट कंफर्म कर लो कि कौन से रूट से जाना चाहिए। तो बागेश्वर से पिथौरागढ़ का जो रूट जाता है उस रूट को पकड़ना है मुनसियारी के लिए, जो कि ज़्यादा अच्छा है, सड़कें वगैरह ज़्यादा अच्छी है। अभी आगे जा रहा हूँ, सारा इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर दूँगा ताकि आप लोग कभी आओ तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ से व्यूज़ देखो कितना अच्छा मिल रहा है। तो बागेश्वर से हम लोग अभी 10-12 किलोमीटर आगे आए हैं। चलते हैं आगे, मिलते हैं फिर। तो गाइस यहाँ पे चेक पोस्ट था, पता नहीं वो लोग क्या चेक कर रहे थे। उन्होंने ये भी पूछा कितना कैश है। ये है थल। तो गाइस हम लोग थल में रुके हैं स्नैक के लिए। तो चेक पोस्ट था गाइस यहाँ से सेफ्टी के लिए। They are very nice people। और हम लोग मुनसियारी के लिए यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। Keep blessing us। Thank you very much for watching my video। हेलो गाइस, तो अभी हम लोग कक्कर सिंह बैंड पहुँचे हैं। तो यहाँ से मुनसियारी 48 किलोमीटर है। जो मैं बागेश्वर में बता रहा था कि बागेश्वर से 2-3 रूट आती है, तो पहला वाला जो रूट था, जो शॉर्टकट रूट था, वो ये वाला था। ये सामने वाला जो रास्ता देख रहे हो ये भी बागेश्वर से आता है, और ये आगे इधर से मुनसियारी चला जाता है। मुनसियारी यहाँ से 48 किलोमीटर है, और हम लोग जो आए हैं ये इस रास्ते से आए हैं। तो ये वाला रास्ता अच्छा है जैसा ये लोग बता रहे थे। तो चलते हैं आगे, फिर मुनसियारी में मिलते हैं। गाइस सीधा वाटरफॉल, तो यहाँ पे वाटरफॉल है जिसको हम कल देखने के लिए आएंगे। हम लोग कभी मुनसियारी से 10-15 किलोमीटर दूर है, और देखो यहाँ पे अभी भी स्नो गिरा हुआ है। सी, तो हमने सोचा नहीं था कि हमें स्नो भी देखने को मिल जाएगा। और सी, यहाँ से व्यू कितना अच्छा है। वाव, देखो कितना ब्राइट है। हम लोग वो नीचे से आ रहे हैं, बिल्कुल नीचे से, डाउन से। और आगे भी अभी बर्फ बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। तो गाइस 6 o'clock हुए हैं, हम लोग मुनसियारी पहुंच गए हैं। अभी हम लोग होटल ढूंढ रहे हैं, देखते हैं कौन सा होटल में ठहरते हैं आज। तो गाइस जैसा मैंने बताया कि हम लोग सुबह 8 बजे रानीखेत से निकले थे, शाम के 6 बज गए हमें यहाँ पहुँचते। तो हम लोग मुनसियारी 6 o'clock में पहुँचे थे। हमने होटल ढूँढा और फाइनल कर लिया एक होटल, जो कि अच्छा होटल है। उसका रिव्यू मैं कल दे दूँगा आप लोग को। और कल यहाँ पे ठहरेंगे, कल यहाँ का जो लोकल जो भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उसको एक्सप्लोर करेंगे। वेदर नो डाउट रानीखेत से बहुत अच्छा वेदर है यहाँ पे, चूँकि अभी तो बहुत सारे एरिया में स्नो भी गिरे हुए हैं आसपास के एरिया में, जो कि अभी मेल्ट भी नहीं हुआ है। तो ठंडी है यहाँ पे। अराउंड जब हम शाम को यहाँ 6 o'clock पहुँचे थे तो अराउंड 10-12 डिग्री का टेम्परेचर था यहाँ पर। फिर कल यहाँ का रिव्यू दूँगा आपको। तो आई होप कल का जो ब्लॉग होगा वो अच्छा होगा, क्योंकि कल यहाँ के लोकल एरिया को एक्सप्लोर करेंगे और देखते हैं कल क्या क्या है यहाँ पे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो गाइस, वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।